थपकी थपकी प्यार की। बम बम रखा है मैंने आरती की थाली में। बिहार और थपकी जैसे ही डांडी आपस में टकराएंगी, बम ब्लास्ट होगा। बम रुको, क्या बात है ध्रुव, क्यों विघ्न डाल रहे हो तुम माता रानी के डांडिया में? अजय, चल 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 ये चल। क्या हुआ विघ्न? भाजी यही वो आदमी जिसने विघ्न डाला है। अरे ये तो घनश्याम लाल है, तुम यहां कैसे आए? ये सब क्या हो रहा है? क्यों आया ये आदमी यहाँ पर? मां बाबूजी ठीक कह रहे, ये घनश्याम लाल, इसकी मिलावटी मिठाइयों का खुलासा किया था मैंने और थपकी ने, और बाबूजी ने इसे पुलिस स्टेशन में भर्ती करवाया था, याद है ना बाबूजी? हाँ। और अब ये यहाँ पर बदला लेने आया उस सबका। बाबूजी, इस आरती की थाली में बॉम्ब है। और थपकी और बिहान की डांडिया स्टिक्स में इस बॉम्ब के डेटोनेटर्स हैं। अगर ये दोनों टकरा जाती तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। तू, तेरी ये मजाक, हमारे घर में घुसकर हम सबको। बाबूजी ने तुझे जेल भिजवाया था, हम तुझे जान से मार देंगे। रिहान, रिहान दिमाग से काम लो, अभी इसको मारने से ज्यादा जरूरी यह है कि बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करे। इसको सजा कानून देगा, छोड़ उसे। रिहान छोड़ दो उसे। ध्रुव तुम पुलिस को बुलाओ जल्दी से। हाँ मां।
कोई आगे नहीं बढ़ना वरना मैं इस स्ट्रिप को टकरा दूंगा आपस में। श्यामलाल बकवास मत कर, मारे जाओगे। मैंने कहा पीछे हटो। आग में डांडिया खेलने, अरे तुम्हें पता नहीं और क्या? आपके, 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 देखो, तुम मुझे बचाने के चक्कर में खुद पे चल जाओगे, जाओ यहाँ से। आपकी आग बढ़ती जा रही है, मजाक करने का टाइम नहीं हमारे पास, चलो हमारे साथ। अरे कर, अरे आग लगी थी, अरे पूछे अंदर है। Something! कुछ नहीं बोलने दो। नहीं, छोड़िए।
बिहान निकलो, सबके को लेकर निकलो जल्दी, बिहान निकलो जल्दी। उठो बेटा, बेटा उठ, उठ, उठ। दी, दी आप ठीक तो हो ना? दी, दी। अरे हम तो ठीक है ना? क्यों गए थे अंदर? हाँ बेटा, तुम क्यों गए थे? मैं ठीक हूँ माँ। तब की ठीक है? तब की ठीक है ना? माँ मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ बेटा, जी डॉक्टर बुलाइए। मामू मैं ठीक हूँ। चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा, थोड़ा ये ले लो, आराम मिलेगा। रुको ना थोड़ी देर, प्लीज। बोलो, तूने जो किया है ना, छोड़ है। एक बात बोलो, मैं और तब की छोड़ यार, नहीं बोलना। अब एक बात हम बोले, गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई।
माफ कर दिया, प्लीज माफ कर दे। मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया इस ध्रुव पांडे ने, छोड़ूंगा नहीं इसे, जान ले लूंगा उसकी। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है पापा, जो कुछ करेगा आपका बेटा करेगा, बाप का बदला मैं लूंगा, बस आप देखते जाइए, कल का दिन ध्रुव पांडे की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। माँ पानी नहीं आ रहा, मैंने फेस पे साबुन लगाया, लेके आओ ना पानी। हाँ 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 आती हूँ, ये ले, ये ले। तने कैसे हो गया ये? अरे किचन में भी पानी नहीं आ रहा है, अरे इतने काम बाकी, जा जाके देख दो पानी क्यों नहीं आ रहा है। जा उन्हें किया ना ये? You idiot! 2 फुट का नहीं है तू और इतना उछल रहा है। अरे भाई तू तो 6 फुट का है ना, रुका क्यों है? मारना मुझे। अरे मार। ए, रुको। क्यों मार रहे उसे? सर सर आप बिल्कुल सही वक्त पे आ गए, ये मेरा पड़ोसी मुझे कैसे परेशान कर रहा है। अरे बात बात पे गला दबा देता है। बकवास बंद करो, इंस्पेक्टर ये झूठ बोल रहा है, इसने उल्टा हमें परेशान कर रखा है, हमारे घर का पानी का पाइप काट दिया इसने। अरे मेरा तो खुद का पाइप कटा हुआ है, मैंने वाटर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट भी की है, आपको यकीन नहीं आ रहा? देखिए ये बेचारा सब पानी बह रहा है। इंस्पेक्टर ये बहुत ही चलाक और झूठा इंसान, इसने हमें ब्लेम करने के लिए अपना पाइप भी काट लिया। ये देखिए इसके हाथ में आ रही। अरे वाकई में तुम्हारे हाथ में आ रही है, इस आरी को लेकर तुम क्या कर रहे हो? वो तो रिनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो मैं बस कारपेंटर को ये आरी देने जा रहा था कि तभी इसने मेरा गला पकड़ लिया। सर इंस्पेक्टर मैं सच बोल रहा हूँ, इसने ही पाइप काटा है। चुप। अरे क्या बेवकूफ है, ये खुद का पाइप काटेगा? अरे बेचारा कब से परेशान है, और तुम पहली बार है इसे छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा तुम्हारी शिकायत आई तो सीधे अंदर कर दूंगा। और तुम, ये तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे फौरन फोन कर रहा। थैंक यू सर, पुलिस इज ग्रेट सर, थैंक यू। वसु बहू ध्रुव का हाथ कैसे बेटा? पहले से बेहतर है, लेकिन थोड़ा ठीक होने में वक्त जाएगा ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ध्रुव को थपकी और बिहान को बचाने के लिए आग में कूदने की जरूरत क्या थी। मेरा मतलब है कि बिहान भी बहुत हिम्मत वाला है ना, वो तो थपकी को बचाने के लिए आग में पहले ही कूद गया था, तो फिर ध्रुव को जाने की जरूरत क्या पड़ी? बात हिम्मत की नहीं है, बात जुड़ाव की है। मतलब? बेटा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थपकी बिहान के दिल में जगह बना चुकी है, वरना अपनी जान पर खेलकर कौन आग में कूदता है। मतलब थपकी और बिहान, यही होती है सच्चे रिश्ते की ताकत। जब दो लोग 24 घंटे एक साथ रहते हैं ना, तो रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है, और धीरे धीरे ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि कोई चाह कर भी इस बंधन को तोड़ नहीं सकता। जब तक सांस चलती है तब तक ये रिश्ता चलता है। भगवान करे झूठ से हुई ये शादी सच्चे रिश्ते में बदल जाए। ये दोनों एक साथ रहें अरते दम तक।